तो आज की जो C++ की क्लास है, इसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज़ करेंगे। ये जो प्रोग्राम है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं इसको। साथ ही साथ हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमारा जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये 1 भी कवर हो जाएगा। असाइनमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमको पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। और पैटर्न्स क्या होते हैं, वो आप पहले भी देख चुके हैं कि हमने कई सारे पैटर्न्स जो है पढ़ते समय हमको पैटर्न्स प्रिंट कराया जाता है, ताकि हमारा जो लॉजिक है वो डेवलप हो सके कि पैटर्न्स को कैसे प्रिंट किया जाता है। इसमें हम लूप का यूज़ करते हैं। इस टाइप के जो भी पैटर्न्स होते हैं उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न दिया नहीं हुआ है, हमको ऐसा कोई भी पैटर्न जो है प्रिंट करना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। लेकिन हमारी ये स्टार्टिंग की क्लास है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ना करके पहला स्टेप जो है वो हम देखेंगे, सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे C++ में, फिर उसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करके सेम प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि हमको स्विच करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो हम सिंपल एक C++ का प्रोग्राम बनाते हैं, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट पे, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके बनाएंगे। आपको पता है कि C++ में हम दो हेडर फाइल यूज़ करते हैं, आयो स्ट्रीम डॉट एच और कोनियो डॉट एच। आयो स्ट्रीम और कोनियो दो हेडर फाइल्स हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने लिखा वॉइड मेन, और मुझे एक पैटर्न प्रिंट करना है। तो मैं सेम कोड करने वाला हूँ जो आप सी लैंग्वेज में ये पैटर्न को प्रिंट करने के लिए कर चुके हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल होता है, हमको दो लूप चलाना होता है। दो लूप चलाने के बाद एक लूप होती है रो के लिए और एक होती है कॉलम के लिए, इसलिए मैंने आर और सी यहाँ पर बना दिया। मैं इसको इस तरीके से समझा भी देता हूँ आपको। जब भी हम कोई पैटर्न को प्रिंट करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लीजिए मुझे एक ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है जो कि ट्रायंगल के फॉर्म पर है, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर दो, ऐसा एक दो तीन चार स्टार है, यहाँ पर दो स्टार है, यहाँ पर तीन स्टार है, यहाँ पर चार स्टार है। ये ऐसा पैटर्न अगर हमको प्रिंट करना है, तो आप इसको प्रिंट करने का मैकेनिज्म क्या होता है ये देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये ऐसा रो एंड कॉलम में डिवाइडेड रहता है और इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले आप इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें रो की संख्या क्या है और कॉलम की संख्या क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रो हमारा 4 है, हम 5 ले लेते हैं, 5 रो और 5 कॉलम का पैटर्न प्रिंट करेंगे। लेकिन इस पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो जितनी रो की संख्या है उतनी ही कॉलम की संख्या है, यानी कि कॉलम की संख्या रो पे डिपेंड कर रही है। ध्यान से देखिए, सेकंड रो में 2 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम, फोर्थ रो में 4 कॉलम। तो जो कॉलम की संख्या है वो डिपेंड करेगी रो पर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी रो हमारा होगा 5, कॉलम हमारा होगा 5, और कॉलम की संख्या डिपेंड करेगी रो पर। तो इसको हमको फॉर्मूला में उतारना है। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि दो लूप चलेगा यहाँ पर, और ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि जो बाहर वाला आउटर लूप होता है हमेशा वो रो के लिए होता है। तो रो इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, और रो की वैल्यू हम लिख देते हैं इक्वल टू 5, 1 से 5 तक चल रहा है, और रो प्लस प्लस, ये मैंने लूप चलाया। लूप सभी को चलाने आता है। ये पहला लूप है हमारा, ये लूप को बंद किया, इसके अंदर एक और लूप बनाया मैंने, इनर लूप फॉर। अब ये जो लूप है ये कॉलम के लिए होगा। हमेशा याद रखना है आपको कि बाहरी लूप हमेशा रो के लिए रहता है और अंदर वाला लूप जो है वो हमेशा कॉलम के लिए रहता है। तो कॉलम भी हम चला रहे हैं यहाँ पर 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 5 तक, और यहाँ पर हम करेंगे कॉलम को प्लस प्लस। मैंने जानबूझ के 5 लिया है यहाँ पर। अभी मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताऊंगा कि उसको कैसे चेंज करना है। और यहाँ पर मैंने लिखा सी आउट, और पैटर्न में हमारा जो था पैटर्न स्टार, ये मैंने लिख दिया है। एक एक कॉलम खत्म होने के बाद, कॉलम की संख्या प्रिंट होने के बाद हमको एंड डेल करना होगा ताकि लाइन चेंज हो जाए। ये हमारा फॉर्मेट है, प्रोग्राम बन के रेडी है।
केवल इन संख्याओं को चेंज करके हम अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, केवल संख्याओं को चेंज करना है। चलिए हम लोग आते हैं, अब इस पैटर्न को प्रिंट करते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सी प्लस प्लस में ओपन करूँगा, इसलिए मैं इसको सी प्लस प्लस की डायरेक्टरी में ही सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सी ड्राइव में गया, यहाँ टी सी बिन, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक फोल्डर भी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, बी सी ए टू, बी सी ए टू नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, या फिर मैं सी पी पी बना लेता हूँ। सी पी पी नाम का फोल्डर बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा program1.cpp। ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है, सी पी पी आप ज़रूर लिखेंगे। और मैंने यहाँ पे ऑल फाइल्स ले ली ताकि वो इसके अंदर सेव हो सके। ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कमेंट नहीं किया है क्योंकि इसकी वजह से एरर आने लगेगा, तो मैं इसको कमेंट भी करके सेव कर देता हूँ। प्रोग्राम हमारा बन चुका है, चलिए इसको ओपन करते हैं हम लोग एडिटर में। एडिटर में मैंने इसको ओपन कर लिया है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये सी प्लस प्लस का विंडो जो है वो दिखाई दे रहा होगा। मैं इस फाइल में गया, मैंने ओपन किया, और टी सी बिन के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है सी पी पी, और इसके अंदर जो फाइल है मेरी p1.cpp, इसको मैंने ओपन कर लिया, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो चुका है। चलिए इसको कंपाइल करके देख लेते हैं हम लोग कि क्या इसमें कोई एरर है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं अब इसको प्रिंट करने वाला हूँ, मेरे सामने एक पैटर्न प्रिंट होगा, लेकिन वो ट्रायंगल नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिए कि 5 रो और 5 कॉलम का स्टार प्रिंट हो गया है, क्योंकि मैंने रो और कॉलम की संख्या 5 दी थी। क्लियर। अब इनमें संख्या को चेंज करके ही आप अपना सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस जो कॉलम की संख्या है उसको डिपेंड कर दूंगा कि रो पर, यहाँ पर आर लिख देता हूँ, 5 मिटा करके मैंने लिखा आर, तो अब पैटर्न मेरा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलम की संख्या रो पर डिपेंड हो जाएगी। पहले रो में 1 कॉलम, दूसरे रो में 2 कॉलम, तीसरे रो में 3 कॉलम, जो हमने अपने ट्रायंगल वाले पैटर्न में देख रखा था। तो फॉर्मेट यही रहने वाला है, केवल अंकों को इधर उधर चेंज करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस पैटर्न को जस्ट उल्टा करना है हमको, तो फिर क्या करेंगे, देखिए कॉलम की संख्या हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 6 माइनस आर कर देते हैं। 6 माइनस आर क्यों किया, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर 1 कॉलम है, अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है कि अगर रो की संख्या 1 है तो कॉलम की संख्या क्या होगी, 6 माइनस 1 यानी कि 5। रो की संख्या 2 है तो कॉलम की संख्या क्या होगी, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी रो बढ़ेगा तो कॉलम घटेगा, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो ऐसा लिखने से हमारे पास पैटर्न आने वाला है जस्ट उल्टा, उल्टा जो ट्रायंगल है वो आने वाला है। तो इस तरीके से इन संख्याओं को ही इधर उधर हेर फेर करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बना सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर जो प्रोग्राम हमने बनाया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्लास का एग्जाम्पल, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज़ नहीं किया। अब इसी प्रोग्राम को हम सेम ऑब्जेक्ट और क्लास से बनाएंगे। तो पहले हम अपने प्रोग्राम को करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं और एकदम सिंपल वाला पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 लिखा, मेरा सिंपल वाला पैटर्न बन के रेडी है। बाद में इसको हेर फेर करके हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अब हम इसको ऑब्जेक्ट और क्लास में कैसे डिवाइड करेंगे, इसको सेव कर लीजिए। चलिए हम अपनी स्क्रीन पर जंप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट एंड क्लास में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना रहता है। ऑब्जेक्ट और क्लास बनाने का तरीके क्या होता है, वॉइड मेन के पहले हमको एक क्लास बनाना होता है, और क्लास का नाम हमको कुछ देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा P1, P1, ठीक है। इस क्लास को बनाने से फायदे क्या हैं देखते हैं अब यहाँ पर।
ये क्लास एक बार बनाते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ बताया भी होगा कि आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि क्लास जो होती है वो एक सांचा या ब्लूप्रिंट होती है। जैसे हम टायर बनाते हैं तो उसका एक सांचा बनाया जाता है, और उस क्लास से ही कई ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सांचे के डिज़ाइन कर रहे हैं, ऊपर में क्या कर रहे हैं, सांचा बना रहे हैं। यहाँ पर हमको पब्लिक लिखना ज़रूरी है। पब्लिक क्यों लिखते हैं वो हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। पब्लिक एक स्पेसिफायर है, अगर पब्लिक नहीं लिखेंगे तो वो पूरी तरीके से सांचा जो है लॉक हो जाता है और उसको हम एक्सेस यूज़ नहीं कर सकते, प्राइवेट हो जाता है वो, तो इसको पब्लिक करना होता है। ये पब्लिक उसी तरीके से है जैसे आप कोई पब्लिक पोस्ट डालते हैं फेसबुक में तो सभी लोग उसको देख पाते हैं, और प्राइवेट पोस्ट डालने पर कोई उसको देख नहीं पाता। तो पब्लिक लिखने से ये जो पोस्ट होगा ये आपका पब्लिक हो जाएगा और मेन से वो एक्सेस हो जाएगा। इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक मैंने लिखा और यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन बनाया मैंने, वॉइड शो, क्योंकि बिना फंक्शन के यहाँ पर कोई भी कोड जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैंने इस पूरे के पूरे कोड को उठाया और कट कर दिया यहाँ से, और इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। जो जो पहले मेन के अंदर था अब वो किसके अंदर आ गया है, शो के अंदर। पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं पहले यही मेन था, उसको उठा के मैंने यहाँ पे शो बनाया और शो को एक क्लास के अंदर पैक कर दिया। यानी पहले मेन जो हवा में पहले खुला हुआ था, हवा में था, यहाँ पर आजाद पंछी की तरह था, उस मेन का मैंने नाम चेंज किया और एक क्लास में उसको बंद कर दिया, और वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट वाली सिक्योरिटी दे दी। ये सिक्योरिटी हमको C++ में मिलती है। पहले C में जो सारा डेटा ऐसे ओपन तरीके से होता था, अब हमारे पास अथॉरिटी है कि उसको हम पब्लिक करें कि प्राइवेट करें, कौन एक्सेस कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा ये हम डिसाइड करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम करेंगे जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के बारे में देख रहे होंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये कर लिया, ये मैंने एक सांचा तैयार कर लिया है, इसका नाम है P1। अब ऑब्जेक्ट कैसे यहाँ पर बनाते हैं देखिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल डेटा टाइप की तरह होता है, जैसे मैं इस तरीके से बनाता हूँ इंट ए, सेम वैसे ही अब बनेगा P1 P। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे इंट का एक वेरिएबल बनता था, इंट एक डेटा टाइप है उसका एक वेरिएबल बनता था मेन में, वैसे ही ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो क्लास को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप कई बुक्स में देखेंगे तो क्लास को आपको सुनने के लिए मिलेगा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि डेटा टाइप भी एक स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट या सांचा ही होता है। इस डेटा टाइप से ही ये वेरिएबल्स बनते हैं, जैसे तीन वेरिएबल बनाए A B C, वैसे ही यहाँ पर PQR ऐसा बना सकते हैं। एक सांचा है और कई सारे टायर्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक प्रकार का क्लास का वेरिएबल होता है, और क्लास जो है वो एक प्रकार की डेटा टाइप होती है, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी अभी तक सी में आपने जो भी पढ़ा था उसमें आप पहले से बने बनाए डेटा टाइप को यूज़ करते थे, पहले से बने बनाए जो कंटेंट थे उसी का यूज़ करते थे। अब आप अपना डेटा टाइप खुद बनाएंगे, हर क्वेश्चन के हिसाब से एक नया डेटा टाइप बनेगा जिसको हम क्लास बोलेंगे, और उसका फिर ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको हम क्लास का वेरिएबल बोलेंगे। तो अब आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सी और C++ में कितना ज़्यादा अंतर है। सी में आप बनी बनाई चीज़ें यूज़ करते हैं और C++ में आपको खुद से वो चीज़ों को बनाना होता है। यानी कि आप मैगी बनाने जा रहे हैं, आपको बना बनाया मसाला मिला है और उससे आपने मैगी बना लिया, और C++ में आप अपना मसाला भी खुद ही डिज़ाइन करेंगे, खुद मसाला बनाएंगे और खुद वहाँ पर मैगी बनाएंगे। अगर आपका मसाला बहुत अच्छा है तो मैं आप एक फैक्ट्री खोल सकते हैं और मैगी से अच्छी कंपनी आप खड़ी कर सकते हैं। ये अंतर होता है सी और C++ में। तो यहाँ पर मैंने क्लास से ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है, तो अभी हमें फ़िलहाल एक ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ P बनाता हूँ। अब आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट ही यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये यूज़ होता है, वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर होती है। P.show लिखेंगे,
क्योंकि शो जो है पी के अंदर है। अब ये पी डॉट शो जैसे लिखेंगे तो ये वाला कोड जो है वो रन हो जाएगा, अगर यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है तो। अगर प्राइवेट लिख देंगे तो ये वाली चीज़ जो है कंटेंट लॉक हो जाएगी और इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए मेन का कोडिंग कितना छोटा हो गया, 2 लाइन में खाली पैटर्न हो गया है, केवल 2 लाइन में यहाँ पर पैटर्न हो गया है। और यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इंट एन भी लिख सकते हैं, या हम ऐसा नहीं करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर जो यहाँ का कोड था ऊपर उठा के रख दिया और यहाँ पर इसको ऐसे कॉल कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम सी प्लस प्लस में इसको रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम हमने बनाया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये हमारा क्लास है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट में केवल डिज़ाइन चेंज हो गया है, पैकिंग चेंज हो गई है। अंदर में मैगी वही है, ऊपर का कवर चेंज हो गया है, सिक्योरिटी लग गई है, अच्छा मजबूत कवर लग गया है, ज़्यादा अट्रैक्टिव कवर है, बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन अंदर जो कंटेंट है, जो रन होने वाली चीज़ है, वो तो सेम वही है। इसलिए सी प्लस प्लस में ज़्यादा लॉजिक नहीं सिखाया जाता, बल्कि स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। कौन सी चीज़ किसके अंदर रखेंगे तो सिक्योर हो जाएगा, पब्लिक के बदले क्या लिख सकते हैं तो सिक्योरिटी मिलेगी। ये स्ट्रक्चर्ड चीज़ों को हमको सीखना है, क्योंकि हम नई चीज़ बना रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से देखना, हम नई नया मसाला तैयार कर रहे हैं। तो नए मसाले की नई पैकिंग, किस टाइप की पैकिंग होगी, उनकी प्राइसिंग क्या होगी, लेबल क्या होंगी, ये सब चीज़ें हमको डिज़ाइन करना होता है। अंदर का मसाले में इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो वही चीज़ें हैं जो मैगी के पुराने मसाले में हुआ करते थे। कुछ चीज़ें हम ऐड करके नया मसाला बना दे रहे हैं, क्लियर है। चलिए इसको मैंने सेव किया और रन किया। यही हमारा आंसर था, असल में ऐसा आंसर हमको लिखना था, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसा आंसर लिखता तो ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या है, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले मैंने इतने हिस्से को जो आप सी में कर चुके हैं उसको मैंने मेन में लिख के दिखा दिया। अब उसी हिस्से को यहाँ पर इस तरीके की पैकिंग में बदल दिया, ये पैकिंग में कर दिया और यहाँ से कॉल कर दिया, सेव किया है। चलिए हम लोग सी प्लस प्लस की स्क्रीन पर जंप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर एक सी प्लस प्लस की स्क्रीन जो है टर्बो सी का एडिटर मैंने ओपन कर लिया है। अपनी फाइल को ओपन करते हैं, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किया था P1 वाली फाइल में वो चेंजेस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चेंजेस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर बन के रेडी है, वो भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ सेम प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक एरर आया है, वो किसकी वजह से है, फंक्शन कैन, ये है एरर, टू मेनी टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन। ये इसलिए आया क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर सेमी कोलन लगाना भूल जाते हैं, एक सेमी कोलन छूटा हुआ था। चलिए हम सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसको कंपाइल करते हैं। ये कोई भी एरर नहीं है, एक वार्निंग है, उसको आप इग्नोर करेंगे अभी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने पर हमको सेम वही पैटर्न मिल गया जो पहले के प्रोग्राम में मिल रहा था, यानी कि एंड यूज़र को कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो प्रोग्राम को कैसे लिखा गया है, सी में लिखा गया है, सी प्लस प्लस में लिखा गया है, किस चीज़ में लिखा गया है, उससे कोई पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट में एक प्रोग्राम दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर खासियत देखते हैं, सेम प्रोग्राम था, हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 को चेंज किया और यहाँ पर R लिख दिया। सेम प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमारा पैटर्न इस गलत लिख दिया है। इनफाइनाइट लूप में चला गया ये आपका प्रोग्राम, और फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने सी लेस देन इक्वल टू 5 के बदले हम सी लेस देन इक्वल टू R लिख देंगे। तो ये क्या होगा, किस तरीके से रन होगा, हमारा आउटपुट इस तरीके से आने वाला है।
और सेम वहीं पर यहाँ पर 6 माइनस आर लिखेंगे तो वो अलग आउटपुट आएगा। सिर्फ नंबर्स को चेंज करके अलग अलग पैटर्न्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन तो बन चुका है, लेकिन बात यहाँ पर यहीं पर ख़त्म ना करके हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट और जान लेते हैं। आपको मैं ध्यान से देखने पर बता दूँ कि C++ का जो प्रोग्राम है उसको एक आदमी नहीं बनाता है, दो अलग अलग डेवलपर्स होते हैं। ये जो क्लास है यानी कि जो डिज़ाइन है वो अलग आदमी बनाता है, और ये जो मेन है यानी कि असेंबलिंग वाला काम है वो कोई और करता है। यानी सेम उसी तरीके से है कि जो टायर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अलग होती है और बाइक में असेंबलिंग अलग होती है। तो बाइक वाले को टायर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, ज़्यादातर जानकारी नहीं होती। जैसे इंजन वाले को टायर के बारे में नहीं पता होता है, टायर वाले को इंजन के बारे में नहीं पता होता है, सब अपना अपना अलग काम करते हैं। यहाँ तक कि अब डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो कान का डॉक्टर जो है वो हार्ट को चेक नहीं करता, हार्ट वाला कान को नहीं चेक करता, सबको अपने अपने फील्ड का नॉलेज होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं इसलिए ये दोनों कोड हमारे सामने दिख रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में जहाँ पर जाएंगे तो ये कोड किसी और के कंप्यूटर में होता है, ये आधा कोड, और ये वाला कोड किसी और के कंप्यूटर में होता है। मेन को नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या कोड लिखा है, कोडिंग दिखाई नहीं देती है। दो प्रोग्रामर्स को एक दूसरे की कोडिंग नहीं दिखाई देती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे व्हाट्सएप कंपनी है उसमें एक डेवलपर नहीं होगा, कई डेवलपर्स होंगे। कुछ लोग बैठ के व्हाट्सएप कॉलिंग का कोड करते होंगे, कुछ लोग चैटिंग का कोड करते होंगे, कुछ लोग वीडियो अपलोड का कोड करते होंगे, कुछ लोग स्टेटस का कोड करते होंगे। स्टेटस वाले को नहीं पता होता कि चैटिंग वाले ने क्या कोड किया है, चैटिंग वाले को नहीं पता होता कि वीडियो अपलोड करने वाले ने क्या कोड किया है, लेकिन सब एक ही व्हाट्सएप में काम कर रहे होते हैं। लास्ट में सबका कोड जुड़ के एक व्हाट्सएप बनता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये पता नहीं, एक चैट का कोड करने वाले बंदे को ये पता नहीं होता है कि कॉलिंग वाले ने, व्हाट्सएप कॉलिंग वाले ने क्या कोड किया। एक दूसरे का कोड नहीं देख पाते, वो लोग यूज़ कर लेते हैं लेकिन कोड नहीं देख पाते। सेम इसी तरीके से मूवीज़ में होता है, मूवीज़ में कई सारे शॉट्स होते हैं लेकिन कई लोग को आप जैसे पूछेंगे तो उनको पता नहीं होता है कि वो लोग उस पिक्चरों में काम कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस पिक्चर में ये बड़े बड़े एक्टर्स भी थे। उनको हवा ही नहीं लगती है, उनको कहीं पे ले जाके शूट कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि उस मूवी में वो बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं। उनको कभी मिल नहीं पाते एक दूसरे से, एक्टर्स से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन उस मूवी में रहते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों कोड एक साथ कर दिया है। अब ये सिक्योरिटी कैसे होगी? मान लो ये दोनों कोड अलग अलग कंप्यूटर पर है और यहाँ पर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, तो अब मैंने टायर का डिज़ाइन चेंज किया तो अब मेन वाला क्या होगा? देखो यहाँ पर एरर आ गया। उस और एरर को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है नीचे। ये जो एरर है, p1.show इज नॉट एक्सेसिबल। मैंने लॉक कर दिया है शो को, मैंने लॉक कर दिया कि कोई मेरा शो को यूज़ करके पैटर्न प्रिंट ना कर पाए। मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है, अपना डेटा अपना कोड को सिक्योर कर लिया है। तो ऐसे दो तीन प्रोग्रामर हैं, तो एक एक प्रोग्रामर हर टाइप की सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है जो कि सी में नहीं हुआ करती थी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैं अलाउ कर सकता हूँ कि कौन मेरा कोड एक्सेस करेगा कौन मेरा कोड एक्सेस नहीं करेगा। सिर्फ मैं यहाँ पर पब्लिक लिख दूंगा तो ये कोड रन होने लग जाएगा, कोड रन हो रहा है आउटपुट आ रहा है। लेकिन वही मैं यहाँ पर प्राइवेट लिख देता हूँ और अगर कोई भी मेरा ये वाला कोड शो को यूज करेगा तो एरर आएगा। देखिए यहाँ पर एरर आ गया और लिखा है यहाँ बकायदा p1.show इज नॉट एक्सेसिबल। हाँ, अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बस मेरा जो प्राइवेट मैंने कोड रखा है उसको यूज़ नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं किया तो आउटपुट तो कुछ नहीं आने वाला लेकिन एरर भी नहीं आएगा। क्लियर? तो एरर नहीं आया और आउटपुट भी नहीं आया, लेकिन जहाँ आप मेरा ये वाला कोड यूज़ करने की कोशिश करेंगे p.show तो एरर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी भी मुझे मिल गई, अपने कोड को सुरक्षित रख सकता हूँ मैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको C++ में नहीं मिल रही, सॉरी C में नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कई सारी चीज़ों को देखा यहाँ पर कि एक साथ हमने कई सारी चीज़ें कंप्लीट की। जैसे असाइनमेंट नंबर 1 में जो क्वेश्चन लिखा था कि डिफरेंट पैटर्न्स को यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट से प्रिंट करना था, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हमने
एक प्रोग्राम बनाया जिसमें डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट किया यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी देखा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी देखा, साथ ही साथ असाइनमेंट भी कवर कर लिया, यानी तीन चीजें एक साथ हमने कवर की है आज की क्लास में।